स्वच्छताग्रही संघ के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा के नेतृत्व में 3 सूत्रीय मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में स्वच्छताग्रही संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि स्वच्छताग्रही को तत्काल पंचायती राज के कर्मचारियों के समान दर्जा दिया जाए या कोई नए पद सृजित करके उक्त नए पद पर समायोजित करके एक मानदेय सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर वीरेंद्र प्रसाद, कमलेश कुमार कन्नौजिया, श्याम बली, संजय कन्नौजिया, महावीर दयानंद यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए स्वच्छता ग्रही संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा ने कहा, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, हमारी मांगे पूरी हो, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, हमारी मांगे पूरी हो। जितेंद्र विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष स्वच्छताग्रही संघ गोरखपुर। हम सभी लोग आज जिले के स्वच्छताग्रही हैं। हम लोग अपने कईयों बार से धरना, कई सालों से धरना दे रहे हैं। हम लोगों ने मांग किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सभी स्वच्छताग्रहियों को निश्चित मान दे दें और पंचायती राज कर्मियों के समान दर्जा दें। सीडीओ साहब से बात मेरी हुई थी और सीडीओ साहब ने कहा था कि हम मेट के पद पर आप लोग रखेंगे, जिसमें डीपीआरओ महोदय को भी सीडीओ साहब हम लोग सामने बुलाए थे। डीपीआरओ ने भी कहा था कि हम लोग इन लोगों को मनरेगा के मेट पर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को लालीपाप देकर के ये कहा गया कि शासनादेश कुछ दूसरा आ गया कि आप लोगों को नहीं रखा जा सकता, समूह की महिला को रखा जाएगा। हम लोगों को वहाँ से ही वंचित कर दिया गया। क्या मांग है? हमारी मांग है आज डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारा ज्ञापन जाएगा, जो 3 सूत्रीय मांग है। पहला मांग हमारा है कि पंचायती राज कर्मियों के समान दर्जा दिया जाए और एक निश्चित मानदेय तय किया जाए, और यदि स्वच्छताग्रही के पद पर नियुक्त करने में कोई कठिनाई सरकार को हो रही है, कोई नया पद सृजित करके हम सभी लोगों को पंचायत विभाग में नियुक्त करने का काम करें।